दृश्यमानगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्नाभिर्यो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। विभाग में विभक्त करके तब उसकी व्याख्या करते हैं। एक वो भाग जो हमारी रहनी का उपदेश करता है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको विधि भाग बोलते हैं। इसके भी उपदेश की वैसे आवश्यकता तो नहीं मालूम करते, लोगों को छोड़ दिया जाए और जब आग से हाथ जलेगा तो आग में हाथ नहीं डालेंगे और जब दूध पीने से जीवन ठीक ठीक चलेगा तो दूध पियेंगे। इसमें अनुशासन की तो कोई आवश्यकता ही नहीं मालूम पड़ते। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता जिसके अंतःकरण में राग द्वेष पहले से न रहता हो, तो वो राग बस पक्षपात करता है और द्वेष बस निर्दयता करता है। जिसका अभ्यास होता है उसमें राग हो जाता है और जो काम कभी करना नहीं पड़ा हो गए गुलामी हो गए उसके बारे में चित्त में तो द्वेष हो जाता है। तो मनुष्य राग द्वेष के वशीभूत होकर के अपनी रहनी न बनावे, विधान के वशवर्ती रह करके अपनी रहनी को बनावे, इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे आपको सड़क पर चलना है मोटर लेके, तो कायदा हो गए कि दाएं से जाओ तब तो आप ठीक ठीक चलेंगे, नहीं तो देखेंगे कि दाहिनी ओर रास्ता खुला है उधर मोटर दौड़ावेंगे, एक बार दो बार निकल जाएंगे और कभी न कभी आकस्मिक उदंत संस्कृत में एक्सीडेंट को आकस्मिकोदंत बोलेंगे, अकस्मादोदंत, कोई न कोई आकस्मिक घटना ऐसी घटेगी कि फिर घायल हो जाएंगे। तो मनुष्य के जीवन में अनुशासित रूप से अनुशिष्ट रूप से रहना चलना आवश्यक होता है। तो वेद का जो भाव हमारे लिए कर्तव्य है और अकर्तव्य का निर्धारण करता है उसको विधि भाग कहते हैं। उसमें शब्द राशि की प्रधानता होती है, कानून के अक्षर देखे जाते हैं। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय अनुशासन के बिना जीवन नहीं धारण कर सकता, जीवित नहीं रह सकता। दूसरा भाग जो है वो वस्तु का अनुसंधान करने के लिए है, यथार्थ वस्तु का अनुसंधान करने के लिए कि ये क्या है। तो लोक व्यवहार में ये बात देखने में आती है कि पहले हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं और फिर उसके बारे में एक संस्कार अपने चित्त में धारण करते हैं। ये देखो डॉक्टर लोग हैं, अमुक रोग पर
अमुक औषधि का प्रयोग करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, इस रोग में क्या क्या कमी शरीर में होती है, क्या क्या अधिकता शरीर में होती है, और इस दवा को जब हम पेट के भीतर डालेंगे, शरीर के भीतर डालेंगे, रस रक्त में डालेंगे, तो उससे कौन कौन सी कमी पूरी होगी और कौन कौन सी अधिकता तत्वों की मिटेगी, इसका अनुसंधान करके तब वो निर्णय करते हैं औषधि के बारे में, रोग के बारे में। तो जितने पदार्थ दृश्य के रूप में मालूम पड़ते हैं, कोई इंद्रियों के द्वारा मालूम पड़ते हैं, कोई मन के द्वारा मालूम पड़ते हैं, कोई बुद्धि के द्वारा मालूम पड़ते हैं, परंतु जिसके द्वारा ये सब मालूम पड़ते हैं वो वस्तु किसी भी इंद्रिय के द्वारा मालूम नहीं पड़ती है। हमें इंद्रिय के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इनकी किस्में और इनके अभाव, इनकी जातियां और इनके अभाव मालूम पड़ते हैं, परंतु जिसको ये मालूम पड़ते हैं वो कौन है ये इंद्रियक अनुभव में बिल्कुल नहीं आता है। आंख से देखेंगे हम केवल रूप को, शब्द को नहीं देख सकते, और कान से सुनेंगे केवल शब्द को, रूप को नहीं देख सकते। तो ये तो साफ है कि ये इंद्रियां पूरी वस्तु का दर्शन नहीं कराती हैं, अधूरी अधूरी वस्तु का दर्शन कराती हैं। और मन से तो हम जिन जिन वस्तुओं का संस्कार है उन्हीं को जान सकते हैं, बुद्धि से हम अन्वय व्यतिरेक के द्वारा केवल ये सोच सकते हैं कि इसके बिना ये चीज नहीं होती तो ये कारण है, और इसके बिना भी ये चीज रहती है तो कारण है, और ये इसके बिना चीज रह नहीं सकती तो ये कार्य है। बुद्धि के द्वारा अन्वय व्यतिरेक, अनुगत और व्यतिरिक्त का विचार करके ये निश्चय करते हैं कौन किससे पैदा हुआ और कौन किसमें लीन होता है। लेकिन ये पैदा होना और लीन होना ये भी बुद्धि के सामने होता है, और बुद्धि स्वयं भी पैदा होती और लीन होती है। तो ऐसी अवस्था में जो साक्षी है उस साक्षी को हम विचार के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपनी अनुभूति के द्वारा पता लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी साक्षी कितना बड़ा है, लंबाई चौड़ाई साक्षी की कितनी, साक्षी की उम्र कितनी, कब से कब तक साक्षी रहता है, कितनी दूर में फैला हुआ है, और साक्षी असल में क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो अद्वितीय है कि सद्वितीय है। तो जब इस बात का पता लगाना होता है तो सारी इंद्रियां जवाब दे देती हैं, मन जवाब दे देता है, बुद्धि जवाब दे देती है, यहां तक कि साक्षी स्वयं भी अपने आप को यदि देखना चाहता हो तो अहम अस्मि, इतना तो वो जानेगा कि मैं हूं, और इस वृत्ति का भी साक्षी रहेगा। अहम नास्मि ऐसा कभी नहीं जानेगा। साक्षी को कभी ये ज्ञान नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं। बुद्धि वृत्ति से तादात्म्य करके वो ये जानेगा कि मैं हूं। तो जागृत अवस्था में मैं हूं ये वृत्ति रहेगी, स्वप्नावस्था में भी रह सकती है, सुषुप्ति अवस्था में मैं हूं ये वृत्ति भी नहीं रहती है, परंतु मैं नहीं हूं ये वृत्ति कभी बन नहीं सकती। तो मैं हूं इस वृत्ति से विलक्षण और मैं नहीं हूं इस वृत्ति से भी विलक्षण साक्षी का स्वरूप मालूम पड़ता है। ये विलक्षण जो साक्षी का स्वरूप है ये अद्वितीय है कि सद्वितीय, ये अनंत है कि शांत, ये विभू है कि परिच्छिन्न, ये बात
किसी भी युक्ति से स्वयं साक्षी भी अपने अनुभव से अपनी अनंतता को दृश्य नहीं बना सकता। तब साक्षी की अनंतता का ज्ञान कैसे होवे, इसके लिए उपनिषद की जरूरत पड़ती है। उपनिषद की जरूरत यह है, उपमाने उपसत्य, नीमाने निष्कृष्य, सद सदनम ज्ञानम, उपसद्य निष्कृष्य सदनम सत ज्ञानम, सन्निर्विसरण गत्यव साधनेषु। गुरु के चरणों में बैठकर, उपकार्थ है उपसाध्य, गुरु के चरणों में बैठकर, और जितने ज्ञान होते हैं घटपटादि के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, साक्षी भाष्य सुषुप्ति स्वप्न जागृत के, पंचकोश के, जितने भी ज्ञान होते हैं उन ज्ञानों को निचोड़कर, उन संपूर्ण वृत्तियों को निचोड़कर, उपसद्य माने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके, और संपूर्ण वृत्तियों के जो तत्पदाकार हैं उनको निचोड़ करके, निचाज्य विचित्य, उसमें जो एक रस वस्तु रहती है उसमें अवस्थान, सद सदनम अवस्थानम, अभेद रूप से उसमें अवस्थित होना, उसको जानना कि मेरा ये स्वरूप है, ये बात उपनिषद बताती है। उपसाध्य निकृष्य निष्कृष्य सदनम, गुरु के चरणों में बैठ करके और संपूर्ण दृश्य पदार्थ ज्ञाता ज्ञेय जितना भासता है, जितनी भी त्रिपुटी है उसको निचोड़ करके, उसमें जो एक रस ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये आत्मा ब्रह्म है, अद्वितीय है, ये बात उपनिषद बताती है। कि भाई और सब ज्ञान तो इंद्रियों से हो जाता है, और जो परोक्ष होता है इंद्रियों से उसको बताने के लिए शब्द की जरूरत पड़ती है। ये देखने में आता है कि कुछ चीजें सूरज की रोशनी में मालूम पड़ जाती हैं, और कुछ चीजें चंद्रमा की रोशनी में मालूम पड़ जाती हैं, और कुछ चीजों के लिए जबान से बोलकर बताना पड़ता है कि ये अमुक चीज है। शब्द से परोक्ष ज्ञान तो होता देखने में आता है, परंतु अपरोक्ष ज्ञान भी शब्द से, अपरोक्ष ज्ञान के लिए भी क्या शब्द की जरूरत है? और जट अंगुली रख दिया, ये हमारी नाक है, आंख से नाक की नोक दिख गई, इसका नाम नाक है, जिससे गंध मालूम पड़ता है उसका नाम नाक है, हमारे मन के सहयोग से, इंद्रियों के सहयोग से, आंख से देख के जान लिया कि इसका नाम नाक है। क्या इस तरह से नारायण आत्मा को जान सकेंगे? कि नहीं, जहां भ्रांति होती है वस्तु तो बिल्कुल साक्षात अपरोक्ष हो गए, परंतु मालूम न पड़ती हो गए, वहां शब्द से साक्षात अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। कोई आदमी सामने बैठा हो और उसका नाम न मालूम हो, किसी ने बता दिया इसका नाम ये है, तो मालूम हो जाएगा। 10 आदमियों में से एक आदमी को गिनने में भूल हो गई तो बता दिया कि 10वां तू है, उसका ज्ञान हो गया। इसी प्रकार ये वेद जो है, ये सबको गिनने वाला जो दसम पुरुष है, आत्म वस्तु है, वो ब्रह्म है, वो अद्वितीय है, ये बात बताने के लिए उपनिषद है। उपनिषद में हमने देखा, ये कठोपनिषद पहले चल रही है, ये हृदय उपनिषद है, ये तैत्तिरीयारण्यक में काठक ब्राह्मण में ये मिलती है। काठकारण्यक पुस्तक आजकल मिलती नहीं है, और काठक ब्राह्मण जो मिलता है उसमें ये कठोपनिषद है नहीं।
परंतु इसकी चर्चा इतनी पुरानी है, ब्रह्मसूत्र में वेदव्यास भगवान ने इसके मंत्रों को लेकर कई सूत्रों की रचना की है। शंकराचार्य भगवान का इस पर भाष्य है। शंकरानंद जी ने कठोपनिषद पर 700 श्लोक लिखे हैं, आत्मपुराण में करीब करीब 700-800 श्लोक कठोपनिषद की व्याख्या करने के लिए आत्मपुराण में है। अनुभूति प्रकाश में विद्यारायण स्वामी ने एक अध्याय ही कठोपनिषद पर लिखा है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कई अध्यायों में कठोपनिषद की कथा है। इसका अभिप्राय यह है कि कठोपनिषद एक सर्वमान्य पुस्तक है और ये बहुत प्राचीन काल से चल रही है। ये किसके लिए है? ये हमें हमारा स्वरूप बताने के लिए है, हमें हमारा स्वरूप बताने के लिए। तो हमें हमारा स्वरूप बताने से क्या लाभ? इस फायदे की एक बात सुनाते हैं। हम अगर अपने को जान लें तो इसमें फायदा क्या? तो देखो, यदि किसी सच्चे साधु को कोई भोग देने लगे तो ये कहेगा ना कि हम साधु होके ये भोग नहीं स्वीकार कर सकते। अच्छा, कोई सच्चे ब्राह्मण को कहे कि आज संध्या वंदन मत करो, साथ ही खेल लो, तो कहेगा मैं ब्राह्मण होके संध्या वंदन के समय पर ताश खेलू? मैं तो संध्या वंदन करूंगा। देखो, अपने स्वरूप ज्ञान का फल है कि नहीं? अपने को ब्राह्मण जानने का फल यह है कि वो संध्या वंदन करे। अपने को सन्यासी जानने का फल है कि वो विरक्त रहे। अपने को सिपाही जानने का फल है कि वो चौराहे पर खड़े होकर ड्यूटी दे। तो अपने को यदि कर्ता जानोगे तो हमें पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, ये फल निकलेगा। अपने को यदि भोक्ता जानोगे तो हमें दुख नहीं मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, ये फल निकलेगा। यदि आप अपने को दृष्टा जानोगे तो संसार से राग द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी। और यदि आप अपने को कदाचित ब्रह्म जान लो तो सारे भेद भ्रम ही मिट जाएंगे। और सारे भेद भ्रम मिट जाने पर ये प्रांतीयता और ये सांप्रदायिकता और ये राष्ट्रीयता तो हम इस समय अच्छे अर्थ में प्रयोग नहीं कर रहे हो, है ना? वो राष्ट्रीयता जो एक दूसरे राष्ट्र में संघर्ष की सृष्टि करती है, राष्ट्रीयता का व्यामोह, और ये बात कम्युनिज्म और सोशलिज्म और फलाना, है ना, जिसके कारण देखो वियतनाम में लड़ाई होती है, वादी के कारण तो होती है ना। कहिए सांप्रदायिकता, ये सीमा का मोह, जिनके कारण द्वंद्व की और संघर्ष की सृष्टि होती है, वो सारे कारण भेदक भ्रम से हैं। और भेदक भ्रम कट जाता है अपने को अद्वितीय ब्रह्म जानने से। केवल मर्त्यलोक के निवासी नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड और उनके निवासी, संपूर्ण माया की सृष्टि अपना स्वरूप है। इसमें न कहीं अहंकार है, न स्पर्धा है, न राग है, न द्वेष है। ऐसा जीवन मुक्त शांत जीवन व्यतीत करने के लिए संपूर्ण कलहों से निर्मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अनर्थों से, दुखों से अपने आप को ये जानना कि मैं कौन हूं, ये आवश्यक है। इसके बिना अंधेरे में भटक रहे हैं, इसके कारण भ्रांति में भटक रहे हैं। क्यों? का अपने को जाने बिना ये सारा दुख प्राप्त हो रहा है। तो अपने को जानना चाहिए, और वो अपने स्वरूप का ज्ञान, ये साधारण ज्ञान नहीं, ये फूल का ज्ञान नहीं है,
ये भोजन का ज्ञान नहीं है। देखो नाक के लिए लोग तरह तरह के इत्र बना लेते हैं, एक प्रकार का वो भी तो ज्ञान है ना। जीभ के लिए तरह तरह की रसोई बना लेते हैं, एक तरह का वो भी ज्ञान है। आंख के लिए तरह तरह के रूप छटा दिखाते हैं, फैशन तरह तरह के चलते हैं, तो वो आंखों को भोग देने के लिए एक प्रकार की रसोई तो है ना। रूप जो है वो आंखों की रसोई है, इत्र जो है वो नाक की रसोई है, और ये हलवा पूरी जो है ये जीभ की रसोई है, और ये कोमल कठोर जो है ये त्वचा की रसोई है, और ये आलाप जो करते हैं ना है ना, ये भैरवी, और ये निषाद, और ये गांधार, ये काय के लिए के कान की रसोई है, हो है ना। कान को तरह तरह का स्वाद देने के लिए, कान को भोजन देने के लिए बनाते हैं ये जो लोग अपना रंग रूप सजाते हैं ना, अपने लिए थोड़ी, ये दूसरे की आंखों को तृप्त करने के लिए। जैसे परोपकारी लोग बढ़िया बढ़िया भोजन बना के दूसरों के सामने परोसते होए, ऐसे ही सुंदर सुंदर रूप सजा करके लोग दूसरों के सामने अपने शरीर को परोसते हैं, कहो देखो मैं कितना बढ़िया हूं, देख के तुम खुश हो जाओ, है ना। ये तृप्तिदायक, तो ये सारी भोग की लीला है, भोग की लीला है, कुछ मोह की लीला है, कुछ लोभ की लीला है, कुछ क्रोध की करतूत है, क्रोध की कारस्तानी है कुछ, है ना, कुछ काम की क्रीड़ा, कुछ क्रोध की करामात, कुछ लोभ की लीला, कुछ मोह की महिमा, इसी से ये सृष्टि चल रही है। और अपने आप को जानो, अपने आप को जानो तो तुम्हारे हृदय में बिल्कुल शांति शांति रहेगी, ऐसी शांति जो मनुष्य की सरल रहनी में बाधा नहीं डालती है। ये जो बनावटी माया की रहनी, कपट की रहनी, छल की रहनी है, ये रहनी सरलता में बाधा डालने वाली है, और वेदांत ज्ञान होने के बाद जो रहनी है वो सरल रहनी है, वो सहज रहनी है, वो निष्कपट रहनी है, उसमें किसी के प्रति अन्याय नहीं है, किसी के प्रति विद्वेष नहीं है, केवल शांति ही शांति है। तो ये कठोपनिषद, कठोपनिषद के पहले अध्याय की दो बल्ली कहां, प्रेम कुटीर में पहले हो चुकी थी, तीसरी बल्ली के भी 10-11 मंत्र हो गए थे, लेकिन आपको केवल स्मरण दिलाने के लिए ये बात सुनाता हूं कि तीसरी बल्ली के पहले मंत्र में ये बात बताई गई है कि जैसे छाया और प्रकाश ये दोनों एक साथ दिखाई पड़े, तो असल में छाया नाम का कोई तत्व नहीं है। आप जानते हैं ये परछाई जो पड़ती है, परछाई इसमें वजन नहीं होता, परछाई में वजन होता है, तो इसका मतलब हुआ कि परछाई कोई मैटर नहीं है। अच्छा, उसकी लंबाई चौड़ाई कोई नियत है, लंबाई चौड़ाई उसकी नियत नहीं है, और उस रोशनी के साथ बढ़ती और घटती जाती है, रोशनी पास हो ऊपर से पड़े रोशनी तो परछाई का पता ही नहीं लगेगा, और पीछे से पड़े, आगे से पड़े, बाहिने से पड़े तो परछाई लंबी चौड़ी सब दिखती है, पर ना परछाई में लंबाई है ना चौड़ाई है। अच्छा, परछाई की उम्र कितनी है? देखो, परछाई देश वाली मालूम पड़ती है, पर वस्तुतः कुछ नहीं है। परछाई काल वाली मालूम पड़ती है, परंतु परछाई की उम्र नहीं है, क्योंकि स्वयं कुछ ही नहीं है। इसी प्रकार ये प्रपंच, ये आत्मदेव और ये कर्ता भोक्ता जीव, कर्ता भोक्ता जीव जो है वो छाया है, और स्वयं प्रकाश आत्मदेव जो है वो आतप है, प्रकाश स्वरूप है। ये जब इसी परछाई के साथ एक हो जाते हैं तो परछाई घट गई, परछाई बढ़ गई, परछाई कट गई, परछाई मर गई, है ना। इसके गुण धर्म को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं। ब्रह्मवेत्ता लोग इस बात को जानते हैं कि परछाई लंबी हो गई तो हम लंबे नहीं हुए, परछाई नाटी हो गई तो हम नाटे नहीं हुए, परछाई चौड़ी हो गई तो हम चौड़े नहीं हुए,
हैं और परछाई बिल्कुल नहीं दिखती है, अभाव हो गया परछाई का, तो हमारा अभाव नहीं हो गया। ये बात ब्रह्मवेत्ता लोग जानते हैं। तो ये कर्ता भोक्ता आभास रूप जो जीव है उसको छाया कहते हैं, और जो दृष्टा साक्षी स्वयं प्रकाश आत्मदेव है उसका नाम आतप है। इस बात को विद्वान लोग जिन्होंने तीन अग्नि का चयन करके, भौतिक अग्नि का चयन करके भोग वासना को नष्ट कर दिया है, योगाग्नि का चयन करके जिन्होंने मन की चंचलता मिटा दी है, और ज्ञानाग्नि का चयन करके जिन्होंने द्वैत भ्रम को भस्म कर दिया है, वे इस बात को जानते हैं। और पांच अग्नि जला करके जिन्होंने पंचकोश को भस्म कर दिया है, तब वे भी इसको जानते हैं। वही छाया रूप से कर्म फल का भोक्ता होता है, और वही परब्रह्म परमात्मा रूप से अपनी शुद्ध आत्मा है। यदि मनुष्य को अपने आप को नियंत्रित करके धर्मात्मा बनाना है तो भी संयमाग्नि से अपने को सेंकना पड़ेगा, और यदि अपने को ब्रह्म रूप में जानना है तो भी ज्ञानाग्नि के द्वारा भेद ब्रह्म को भस्म करना पड़ेगा। ये बात दूसरे मंत्र में बताई गई। तीसरे मंत्र में ये बात कही गई है, यह आत्मा माने भोक्ता है, आत्मानम रथिनम विद्धि। ये शरीर जो है ये रथ है, और आत्मा रथी है, और बुद्धि सारथी है, और मन बागडोर है, और इंद्रियों के घोड़े हैं, और ये जो विषय है ये उसके चलने का स्थान है। जब हम इस शरीर के साथ, बुद्धि के साथ, मन के साथ, इंद्रियों के साथ और विषयों के साथ अपना तादात्म्य जोड़ देते हैं, तब इनके गुण दोष का अपने ऊपर आरोप होता है, हम भोक्ता हो जाते हैं। और जब इनको हम अपने साथ नहीं जोड़ते हैं तो संसार की कोई भी वस्तु हमको प्रभावित नहीं कर पाती। ये बात तीसरे और चौथे मंत्र में कही गई। पांचवें मंत्र में और छठे मंत्र में अन्वय व्यतिरेक से ये बात कही गई कि जो बुद्धि से परहेज करने वाला आदमी है और मन को बेलगाम छोड़ देता है, मतलब जो मन को बेलगाम छोड़ दे उसको क्या बोलेंगे, बोले बुद्धि से परहेज करता है। क्योंकि जब तक मन को सधाओगे नहीं तब तक क्या होगा, रास्ते में चलते हुए मन में आता हो कि आदमी हमारे आगे कैसे चल रहा है, इसको धक्का दे दें गिर पड़े। अच्छा तो समझो कि ये बात बड़े आदमियों के मन में नहीं आती होगी, बच्चों के मन में आती होगी। आप अगर अपने बचपन पर ध्यान दें तो कभी न कभी ऐसी बात जरूर आई होगी कि ये आदमी जो हमको पीछे करके आगे आगे चल रहा है इसको धक्का दे दें, ये गिर पड़े और हम आगे बढ़ जाएं। अच्छा मोटर लेके चलते हैं तो आगे वाली मोटर को पीछे करने का मन में आता है कि नहीं आता है, तो ये तो बड़े आदमी की बात हो गई है। अच्छा जो लोग विधानसभा में और लोकसभा में जाते हैं तो वो इनके मन में नहीं आता है कि हम किसी मिनिस्टर को पछाड़ करके खुद मिनिस्टर बन जाए, ये बात आती है। तो ये बात दूसरे को पीछे करके खुद आगे बनने की बात मन में क्यों आती है, बोले अपने मन पर काबू नहीं है, हम अपने मन को बुद्धि के अनुसार नहीं चलाते, बुद्धि को मन के अनुसार चलाते हैं। आगे आगे मन चलता है, पीछे पीछे बुद्धि चलती है। तो जस्तु अभिज्ञानवान भवती, माने जो बुद्धि से परहेज करता है और मन जिसका काबू में नहीं है, तो जब बुद्धि से परहेज हो गया और मन काबू में नहीं है तो इंद्रियां कहां से काबू में होंगी। वो तो जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के काबू में नहीं होते हैं, और रास्ते से मोटर चढ़ गई पटरी पर, टांगा गिर गया खड्डे में, ऐसे ही मनुष्य का ये जीवन रथ
इन दुष्ट इंद्रियों के कारण कुमार्ग में जागिरता है और मनुष्य गड्ढे में गिर करके पतित हो जाता है। परंतु यस्तु विज्ञानवान भवति, छठे मंत्र में ये बात बताई गई कि जो विज्ञान वाला होता है, माने जिसको एक से अनेक कैसे होता है, माने जिसको कर्म और फल का बोध है, समझो ये काम करने से ये फल मिलता है, इसको विज्ञान बोलेंगे। इस रसायन में, इस दवा में ये दवा मिला देने से ये गुण पैदा हो जाता है, तो ऐसे समझो कि मुक्ता मुक्ता भस्म जो है वो सर्दी न कर दे, तो इसके लिए बोले उसको किसी ऐसी चीज में मिलाओ कि ठंड पैदा न हो शरीर में। तो ये जो मिश्रण का विज्ञान है ना, ये जो डॉक्टर लोग कई दवाएं मिला करके एक दवा बनाते हैं, इसको विज्ञान बोलते हैं। सब चीजों को एक में ले जाकर मिला देना और द्वैत भ्रम का नाश हो जाना, ये ज्ञान है। और एक चीज से अनेक चीज कैसे पैदा हुई, विज्ञानम शिल्पः, कारीगरी का नाम विज्ञान है। तो ये दुनिया की कारीगरी जिसको नहीं मालूम है कि ईश्वर ने किस नियम के साथ ये सृष्टि बनाई है, वो अभिज्ञानवान है। और जो इस नियम को समझता है, देखो दूसरे का अनबल करोगे तो तुम्हारा भी अनबल होगा, दूसरे को गाली दोगे तो तुम्हें भी गाली खाने को मिलेगी, दूसरे को मारोगे तो तुम्हें भी कोई मारेगा। ये सृष्टि का विज्ञान है कि जिस काम के करने से तुम्हारे मन में गुलानी होती है वो काम करोगे तो बाद में मैं दुखी हूं ये बात जरूर आवेगी मन में। ये विज्ञान है। विज्ञान क्या है? कि ये काम बुरा है, ये करके हम पछताते हैं, कि ये काम करके पछताते हैं तो आगे चल के जरूर दुखी होंगे। जो काम करने से तुम्हारे मन में ग्लानी का उदय होता है वो अंततोगत्वा दुख का हेतु बनेगा। तो संसार के इस विज्ञान को जानना चाहिए। इसलिए बोले अच्छा भाई आओ बुरे काम छोड़ दें, बुरे काम नहीं, जिसका जिस मशीन से बुरे और भले काम होते हैं उस मशीन से ही अपने को असंग बनाना पड़ेगा। ये विज्ञान का सच्चा रूप ये है। और मन होवे अपने काबू में तो इंद्रिय रूप घोड़े भी बस हो जाते हैं, जैसे सधाए हुए घोड़े सारथी के बस में रहते हैं। सारथी अश्वार इति सारथी, जो घोड़ों को ठीक ठीक चलावे उसका नाम सारथी होता है। सातवें मंत्र में और आठवें मंत्र में आनंद के साथ ये बात बताई गई कि जो विज्ञान से अलग है और मन जिसका बस में नहीं है और अपवित्र भावनाएं जिसके अंदर भर गई हैं, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, उसको संसार की प्राप्ति होती है। संसार की प्राप्ति होना माने जिसको रहने का कोई घर ना होए, है ना, पटरी पर सोता होए। और आज पुलिस ने उठाया गए, यहां रात को नहीं सो सकते तो दूसरी जगह गए, तो वहां से भी उठाया गया दूसरे दिन, तो तीसरे दिन गए, तीसरी जगह गया। रोज रोज जिसको अपना बिस्तर सोने की जगह बदलनी पड़े उसको बोलते हैं संसार। संसार माने संसरणशील बहती हुई सड़क, जहां से अपना रोज बिस्तर गोल करना पड़े। एक होटल में जाकर रहे, बिस्तर गोल किया ना रहा, स्त्री छूट गई, पुत्र छूट गया, जैसे नर्स छूट जाती है, वो जैसे नर्स छूट जाती है, जैसे होटल की सेविका छूट जाती है, जैसे विमान की सेविका छूट जाती है, वो इसी ये संसार की वस्तुएं। संसार उसको कहते हैं कि यहाँ का बिस्तर, यहाँ का पलंग, यहाँ के रिश्तेदार नातेदार, यहाँ के सेवक, यहाँ के मालिक, यहाँ के मैनेजर,
सब बदलने पड़ेंगे, ये तुम्हारे साथ हमेशा जा नहीं सकते। तुम संसार में रह रहे हो तो क्या हमेशा जिंदगी भर ऐसे ही बिताना चाहते हो? कोई तुम्हारे लिए स्थिर स्थान नहीं है। तो यदि तुम विज्ञान से प्रेम नहीं करोगे और अपने मन को एकाग्र नहीं करोगे और अपने जीवन में पवित्रता धारण नहीं करोगे तो तुम्हें अपना जो असली घर रहने की जो जगह है और जहां अनंत काल तक निवास करना पड़ता है, जहां बिस्तर बांधना नहीं पड़ता, जहां बिस्ते कभी अलग होना नहीं पड़ता, वो अवस्थान वो वस्तु तुम्हें नहीं मिलेगी। बस तुमको तो यहां से वहां, वहां से वहां रोज जेल का तबादला होता रहेगा, है ना, इस जेल से उस जेल में भेज दिया, उस जेल से उस जो विवश होकर के जाना पड़ता है। जेल इसलिए कि विवश होकर जाना पड़ता है। जहां हम लोग रहते हैं उनको छोड़ना तो चाहते नहीं है, वहां तो प्रेम हो गया, वहां तो मोह हो गया, वहां तो संबंध हो गया, लेकिन मजबूर होकर के बेटे को छोड़ना पड़ता है, बहू को छोड़ना पड़ता है, शरीर को छोड़ना पड़ता है, कमाई हुई संपत्ति को छोड़ना पड़ता है। इसी का नाम है संसार। संसरणम संसार, संसरण का नाम सरकते जाओ बाबा। वही बोलते हैं जहां लो जहां में जगह आइए, खिसकते खिसकते चले जाइए। तो यहां से वहां, वहां से वहां, इस संसार में कोई भी न स्वर्ग में रहने की जगह हमेशा के लिए, न नरक में रहने के लिए, न घर में रहने के लिए, न होटल में रहने के लिए उसको जगह नहीं मिल सकती। क्यों? कि उसको अपने असली स्थान का पता नहीं है। न स तत्पद आत्मनोति, उसको उस पद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन यदि असली विज्ञान हो तो यस्तु विज्ञानवान भवति स्वमनस्कः सदा शुचिः सतु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान भवति, आठवें मंत्र में ये बात कही गई। अब आगे की जो व्याख्या है ना नवें मंत्र से, वो तो विस्तार से करनी है। तो यस्तु विज्ञानवान भवति, जिसको संसार का अनुभव है। देखो, एक बैल को भी दूसरे के खूंटे पर ले जाकर के, दूसरी जगह ले जाकर के बांध दिया जाए तो वहां से वो छान पघा तुड़ा करके भाग जाता है। घोड़े को लोग दे देते हैं ना, दूसरों के घर ले जाते हैं, तो वहां से भाग के फिर अपने मालिक के घर चला जाता है। ये जो हमारी इंद्रियां है ना, इंद्रियां, इनको बाहर के किसी भी विषय के साथ यदि ले जा करके बांधोगे तो ये वहां नहीं रह सकते। ये तो लौट के आएंगी अपनी जगह पर। कोई ऐसी चीज बताओ दुनिया में जिसके साथ तुम्हारी आंख, अच्छा, 24 घंटे लगातार किसी को देखते रह सकते हो? ऐसी आंख नहीं बनाई गई, बनाई नहीं गई है। अच्छा, 12 घंटे देखते रह सकते हो? अच्छा, घंटे भर का ही वादा कर लो कि घंटे भर में हम पलक नहीं गिरावेंगे, ये आंख नहीं घुमावेंगे, ये विज्ञान है कि नहीं है? ये विज्ञान है कि यदि आंख को तुम विषय में लगाओगे तो हमेशा नहीं लगाए रह सकते। वो तो एक तनाव की स्थिति है। यदि हम अपने पलक को खोले ही रखें तो हमारे मन पर, दिमाग पर कितना तनाव पड़ेगा। ये तो तनाव की स्थिति है, आंख को विषय में लगा देना। और यदि आंख को बंद रखें तो घंटे भर बंद रख सकते हैं कि नहीं? घंटे भर बंद रख सकते हैं। विश्राम जो है वो अपने स्वरूप में स्थित होने में है, दूसरे की मोहब्बत में पड़ करके यहां वहां भटकने में मन की शांति नहीं है। तो यही कान का विज्ञान है, यही जीभ का विज्ञान है, यही नाक का विज्ञान है, इसका नाम विज्ञान है, यही मन का विज्ञान है। तुम अपने से बाहर किसी भी चीज के साथ यदि चाहो कि हम अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी इंद्रिय को, है ना, अपने हाथ को, पांव को, शरीर को बांध करके रखेंगे, नहीं रख सकते। ये संसार का विज्ञान है। संसार का विज्ञान ये है कि बिना आत्मनिष्ठ हुए शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अपने आप को अद्वितीय जान लेने पर भ्रम की निवृत्ति हो गई, वहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा,
यहाँ दुख है वहाँ दुख है, न कहीं सुख है न कहीं दुख है, न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, न कोई अपना है न कोई पराया है, न कहीं जाना है न कहीं आना है। समनस्का, अपने मन को अपने हाथ में रखो। सदा शुचि ही, हमेशा पवित्र होकर के रहो। पवित्र होकर रहना क्या है नारायण? पवित्र होकर रहना यह है कि दूसरे का मिश्रण अपने साथ मत होने दो। एक चीज में जब दूसरी चीज मिल जाती है तब वो शुद्ध नहीं रहती है। देखो घी में तेल मिला दे तो उसको शुद्ध घी बोलेंगे? अच्छा शुद्ध तेल बोलेंगे? न वो शुद्ध तेल है न शुद्ध घी है। क्यों? एक में दूसरी चीज मिल गई। अच्छा पानी में माटी मिला दे तो शुद्ध पानी बोलेंगे? तो जब अपने आत्मा के साथ कोई अन्य वस्तु मिला दी जाती है तो उसको अशुद्ध बोलते हैं। और कोई भी दूसरी चीज मत मिलाओ अपने साथ, न धन न जन, न स्त्री न पुत्र न मकान, है ना? ये जितनी परिच्छिन्न वस्तुएं हैं ना, न प्रांतीयता न जातीयता न सांप्रदायिकता न राष्ट्रीयता, है ना, न मानवता न ब्रह्मांडीयता, कुछ मत अपने साथ मिलाओ। माइक को ही अपने साथ मत मिलाओ, माया को ही अपने साथ मत मिलाओ, तब तुम पवित्र हो। पवित्र तुम तब हो जब अद्वितीय हो। अद्वितीयता ही पवित्रता है। बस जहां अद्वितीयता का बोध हुआ, सतु तत् पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते, अब वो पद की प्राप्ति हो गई, उस पद की जहां से फिर बिस्तर उठाना नहीं पड़ता, कहीं जाना आना नहीं पड़ता, पोशाक बदलनी नहीं पड़ती हो, ऐसी पोशाक मिल गई, लोग ऐसी कपड़े ऐसे कपड़े के ख्याल में है ना, जो जिंदगी में फटे नहीं, मैला न हो, जिसको धुलाना न पड़े, जिस पर मैल न लगे, खोज हो रही है। आजकल का वैज्ञानिक ऐसे कपड़े की खोज कर रहा है जिसमें आग न लग सके, जिसमें मैल न लग सके, जिसमें वो सल न पड़ सके, हैं? और जो जल्दी फटे नहीं, ऐसे कपड़े की खोज कर रहा है। अरे तुम कपड़ा खोज कर रहे हो, तुम स्वयं ऐसे हो जिसमें सल न पड़े, जिसमें मैल न लगे, हैं? जिसको कहीं आना जाना ना पड़े, अपने स्थान पर ही परिपूर्ण, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, अपने गांव में ही स्वावलंबी, प्रत्येक गांव स्वावलंबी। कहिए कैसे होगा? अपने आप को जानो। सदा शुचि ही, सतु तत् पदमाप्नोति, जहां से फिर जन्म नहीं लेना पड़ता वो स्थिति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इसी से बताया, विज्ञान सारथिर यस्तु, नवे मंत्र में ये प्रसंग आया, विज्ञान सारथिर यस्तु मन प्रग्रहवान नरः शोध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णो परमं पदम्। देखो अपने जीवन का सारथी बनाओ विज्ञान को, बुद्धि को, मूर्खतापूर्ण काम मत करो। मूर्खतापूर्ण काम क्या है? अपने को किसी स्थान के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी परिस्थिति के साथ बांध देना कि इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। एक आदमी को बुखार आया और रो रहा था, आप नहीं बच सकते, आप नहीं बच सकते, अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता। अरे महात्मा ने कहा, देखो बचे हुए हो तभी तो बोल रहे हो, हैं? और सह रहे हो, है ना? ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है। काहे को अपने मन को कमजोर करते हो? श्री रामानुजाचार्य ने एक जगह कहा है कि ऐसी कोई परिस्थिति सृष्टि की नहीं है जिसको अब तक हमने सह के देख नहीं लिया है। हमने जन्म सहे हैं, हमने मृत्युएं सही हैं, हमने नरक सहे हैं, हमने कीड़े मकोड़े की जोनियां सही हैं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसका मैंने सहन न किया हो। पत्नी को मरते देखा, पति को मरते देखा, बेटे को मरते देखा, धन को जाते देखा, दोस्तों को बिछुड़ते देखा, है ना? ऐसी कौन सी स्थिति है जिसको हमने सह न लिया हो,
देख न लिया हो। तो बाबा इस अपने विज्ञान को सारथी बनाओ ना, ये तो तुम्हारे जीवन का विज्ञान है कि तुमने कितनों कितनों को छोड़ दिया है, कितनों को पकड़ लिया है, कितनों के बिना रह चुके हो, क्या क्या कह चुके हो। विज्ञान है तुम्हारी बुद्धि को, संसार के संबंध में बड़ा भारी विज्ञान प्राप्त हुआ है, इसका फायदा उठाओ। किसी स्थान में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में अपने आप को आबद्ध मत करो। मन प्रग्रहवान न रहा, मन की बागडोर बनाओ। सोद्वन पारमापनोती, अब तुम्हारे लिए रास्ता नहीं रहेगा, रास्ता नहीं, मार्ग का पार है। मार्ग का पार वो नहीं है जहां हमको पहुंचना है, मार्ग का पार वहां है जहां से हम चलते हैं। इतनी बात तो समझनी है, संकल्प जिसके लिए होता है वहां पहुंचना नहीं है, संकल्प जिसमें उठता है उसमें रहना है। मार्ग है ना, मार्ग का अंत कहां है, जहां से शुरू होता है। रास्ते का आखिर कहां है, कि जहां रास्ते का प्रारंभ है। एक आदमी को प्यास लगती है, लोटा डोर मांगता है, कुएं में से पानी खींचता है, और पीता है। कहां पहुंचा, तो वहीं पहुंचा कि एक उसका जो मित्र था उसको प्यास लगी नहीं थी, वो अपनी जगह पर बैठा था। प्यास लगाई, लोटा डोर लाए, पानी खींचा, दुकान पर गए, नारियल खरीदा, पिया। और एक आदमी के मन में नारियल पीने की इच्छा ही नहीं हुई, तो पीने की तृप्ति होने के बाद वो कहां पहुंचा, कि जहां वो बैठा है जिसको पीने की इच्छा नहीं हुई। मन प्रग्रहवान नरा सोध्वन पारमाप्नोति तद विष्णो परमं पदम। अध्वन पारम, रास्ते का पार, जहां जाकर फिर चलना शेष नहीं रहता। वो स्थान किसको मिलता है, कि जो विज्ञान सारथी है, विचार पूर्वक अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, अपने मन को काबू में रख करके यात्रा करता है, उसको तो रास्ते का परला पार मिल जाता है। वो क्या है भाई परला पार, आखिर है क्या, कि जहां विष्णु भगवान सोते हैं। तद विष्णु परमं पदम, विष्णुपना जिसको छोड़ करके कहीं दाएं बाएं आगे हटता जाता नहीं है, विष्णु भगवान जिस पर सोते हैं, जिस अधिष्ठान पर, जिस अधिष्ठान में विष्णु भगवान का उदय विलय होता है, वो विष्णु भगवान का परम पद। माने पद है चार विष्णु के, विश्वपद, तेजस पद, प्राज्ञ पद और तुरीय पद। परमं पदम माने पद में जो परला है, माने तुरीय है। ये विष्णु शब्द जो है इसका अर्थ होता है कि जो सारी दुनिया को घेरे हुए है उसको विष्णु बोलते हैं। बेबेष्टि विश्व, बेबेष्टि जो बेष्टन, जैसे बेष्टन पुस्तक को लपेट करके अपने भीतर रखता है, बेष्टन बड़ा होता है ना और पुस्तक छोटी होती है, इसी प्रकार ये जो दृश्य प्रपंच है इसको जो अपने भीतर लपेट के पुड़िया में बंद दवा की तरह जिसने रख छोड़ा है, जैसे घड़े को मिट्टी, जैसे तरंग को पानी, जैसे लपट को आग, जैसे सांस को हवा, जैसे घटाकाश को महाकाश है, जैसे दृश्य को दृष्टा घेरे हुए है, माने जैसे शांत को अनंत घेरे हुए है, जैसे साधि को अनादि घेरे हुए है, का इसी प्रकार ये अपना स्वरूप जिसके बाहर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं जिसके सिवाय, उसका नाम है विष्णु का परम पद। अगर उसकी उपलब्धि हो गई, अपने स्वरूप के रूप में जान लिया,
तो न कहीं जाना है न आना है, न उठना है न बैठना है, न अपना है न पराया है, सब कुछ ज्यों का त्यों परमात्मा का स्वरूप ही है। इस प्रकार ये नौ मंत्र हो गए, वहां हो गए थे पहले प्रेम कुटी में, उसको दोहरा दिया। अब दसवां जो मंत्र है उसकी व्याख्या कल से प्रारंभ करेंगे।